धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिसी चे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, जो जब होना रहता है तभी होता है। मान लेते हैं कि जब ऋतु नहीं है तो कितना भी आम का पौधा को मालिक कितना भी पानी दे देगा तो क्या उसमें फल लगेगा? नहीं लगेगा। जब ऋतु आएगा तभी आम के पेड़ में फल लगेगा। कितना भी पानी उसको 100 घड़ा पानी दे देगा तब भी उसे फल लगने का बात नहीं है। इसीलिए जब आपके पास मौका है, ठीक है, जब आपका ऋतु आएगा, जब आपका समय आएगा, अभी जब आपका एग्ज़ाम आएगा, उस समय आपको जो है सो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करके और कॉपी में आपको जो है सो सारे क्वेश्चंस का ठीक से आंसर दीजिएगा, तभी आपका जो है रिजल्ट अच्छा आएगा और तभी आप जो है सो एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक अच्छा जो है आपको परीक्षा फल, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आपको जो है मिलेगा। तो चलिए एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, ये आपका 8 नंबर वीडियो है। इसमें रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 इसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला कहिए, जो भी कॉन्सेप्ट कहिए, वो आपके बीच में हम रखने वाले हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला तो वैसे है नहीं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला है ये वाला, ठीक है, और ये तो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये, ठीक है। ये एल्गोरिथम क्या कहता है? ये कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये वही वाला चीज़ है जो आप लोगों ने पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वही चीज़ है। ये आपका भाज्य हो जाएगा, फिर आपका भाजक है, और फिर आपका भागफल है, और आर आपका क्या है, शेषफल है। ऐसे समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं आपको यहाँ पर ए जो है, ठीक है, ये भाज्य है, इसको हम भाग दे रहे हैं। किससे भाग देंगे? इसको हम भाग देंगे b से, ठीक है। तो b क्या है? b आपका यहाँ पे भाजक है, तो q क्या है? भागफल है, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? r। इसी प्रकार से यही चीज़ है, बस मतलब कि यहाँ पे ना जो आप जानते थे फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला का यहाँ पे बस मतलब बस चेंज कर दिया, यहाँ पे a b q और r का यूज किया है, सेम चीज़ है। तो इसी पर आपको जो है सो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है। यहाँ पे देखिए, r जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, या फिर 0 से छोटा कभी भी r नहीं होगा। r जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, कई कंडीशन में रिमाइंडर हम लोग को 0 मिलता है। लेकिन जो b है, b आपका हमेशा r से बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड नंबर, ये है आपका एल सी एम इंटू एच सी एफ, ठीक है। एल सी एम गुना एच सी एफ बराबर ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है? कोई दो नंबर है, कोई दो पॉजिटिव नंबर है, उसका अगर एल सी एम निकालेंगे और उसका एच सी एफ निकालेंगे, तो जो उसका एल सी एम और एच सी एफ का मल्टीप्लीकेशन होता है, वही मल्टीप्लीकेशन ए का और बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो सेम मिलेगा। तो ये वाला भी क्या होता है? इक्वल होता है। इस फॉर्मूला पे भी आपको प्रश्न बहुत सारे यहाँ पे 2 से 4 सवाल ऐसे होंगे जो यहाँ पे सॉल्व आपके हो जाएंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे परिमेय संख्या आपको जानना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम इसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, इमेजनरी नंबर क्या होता है, ये सारे पे हम पहले एक वीडियो किए हुए थे, ठीक है। तो उसका हम आज कम्युनिटी में उसका हम लिंक सेंड आपको करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इससे सारे चीज़ को। तो परिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखिए आगे, दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा, ठीक है। तो हमको जब चेक करना होगा कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको हर का जो है सो गुणनखंड करना है। अब हर का जैसे ही गुणनखंड करेंगे, मान लेते हैं कुछ भी दिया हुआ है पी बटा क्यू के फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से कुछ दिया हुआ रहेगा पी बटा क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमको क्यू का क्या करना है, गुणनखंड करना है, इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद में हमको देखना है कि इसका गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n, ठीक है, इसके रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n मतलब 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, ठीक है,
अगर इसके हर में, ठीक है, हर को हम लोग क्या कहते हैं, हर को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर और उसको कहते हैं नोमिनेटर, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है। अशांत में क्या होगा, अशांत में इसको छोड़ के बाकी कोई भी नंबर आता है, गुणनखंड में दो और पाँच को छोड़ करके कोई भी नंबर, अदर नंबर आता है, दो और पाँच इसके अलावा कोई और नंबर भी आ गया, तब भी हम कहेंगे कि वहाँ पे जो भिन्न है वो क्या है, अशांत भिन्न है। तो आपको जो है सो पता चल गया होगा कि मतलब कि अशांत भिन्न क्या होता है, शांत भिन्न क्या होता है, और यही सारा कुछ है चैप्टर नंबर वन में। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आप मतलब कि देखिए इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इससे प्रश्न आता ही आता है। इसके बाद में यहाँ पे शांत और अशांत वाला से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ तीनों जो भी चीज़ है उससे आपको एक एक प्रश्न, मान लेते हैं कि यहाँ से तीन प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चैप्टर भी मतलब VVI में आप लोग रख सकते हैं, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। और हम अगर बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए 10th क्लास में होता क्या है, हर एक चैप्टर से आपके प्रश्न को कवर किया जाता है। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो कि आप छोड़ के चल सकते हैं, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, और वहाँ से जो है सो जो मतलब दो से तीन प्रश्न हर एक चैप्टर से बनते हैं। कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जहाँ से जैसे कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो आपका हो सकता है यहाँ पे देखिए दो पेपर वन पेपर टू, अभी जैसे ही मॉडल सेट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे पूरा पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न जैसे कि था टर्म वन टर्म टू, तो उसको हटा करके अब एक ही बार लेगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। टर्म वन में आपका MCQ था तो MCQ होगा, उसके बाद में आपका जो है सो जो रिटर्न वाला होता था वो भी होगा। तो सारा पैटर्न आपको मॉडल सेट बहुत ही जल्द आने वाला है, दिसंबर में एक्सेप्टेड है आपका, आ जाएगा। तो मॉडल सेट आने के बाद में हम ज़्यादा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद जय भारत।